अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर बायोलॉजी लेक्चर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जिन्हें एलजी कहा जाता है, उनमें एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, स्पेसिफिक ग्रुप है जिन्हें डिनोफ्लेजिलेट्स और डाइनोफ्लेजिलेट कहा जाता है, इन्हें डिस्कस करते हैं। डिनोफ्लेजिलेट वर्ड को सबसे पहले देखते हैं, इसका मतलब क्या बनता है। डाई निकला है टू सेंट फ्लेजिलेट्स मीन फ्लेजेलम, यानी इनके बॉडी के अंदर दो फ्लेजेलम प्रेजेंट होती हैं और इन्हीं फ्लेजेलम की वजह से ये मूव भी करते हैं ये ऑर्गेनिज्म। टेक्निकली इन्हें पायरोफाइटा कहा जाता है। पायरो निकला है फायर से या टेम्परेचर से, जैसे हम एंटीपायरेटिक ड्रग्स लेते हैं टू कंट्रोल आवर टेम्परेचर, टू लोअर आवर टेम्परेचर, सो पायरो वहाँ से निकला है। सो पायरोफाइटा मीन फायर एलजी। अब फायर एलजी इन्हें क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ बायोलुमिनेसेंस, यानी इनमें ग्लो करने की एबिलिटी होती है। अब एलजी की अगर हम बात करते हैं, तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट की बात करते हैं, तो हमारे जहन में सडनली आ जाना चाहिए फोटोसिंथेसिस। सो ये ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए आप जानते हैं लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सो इन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करती है दिन के वक्त। अब लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद रात के वक्त वो प्रोटीन लाइट को एमिट कर रही होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट को एमिट करती है, तो ग्लो करते हुए वो प्रोटीन नज़र आती है, जिसकी वजह से होल ऑर्गेनिज्म ग्लो करता हुआ नज़र आता है। सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड फायर एलजी और पायरोफाइटा। सो ये तीन नाम इनको दिए जाते हैं, डाइनोफ्लेजिलेट, पायरोफाइटा और फायर एलजी। ओके, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, सारे इसमें आपको यूनिसेल्युलर मिलेंगे, सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। जनरल करेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हैबिटेट को देखते हैं, इनकी प्लेस ऑफ लिविंग क्या है, कहाँ पर ये पाए जाते हैं। मोस्टली मेरीन, दो सम लिव इन फ्रेश वाटर, मोस्टली ये समुद्री पानी में आपको मिलेंगे बट कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। डिवीजन की तरफ चलते हैं, दे हैव बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स। ऑल्दो हम इन्हें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में स्टडी कर रहे हैं, बट स्टिल इनके अंदर एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स भी पाई जाती हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ चलते हैं, अपनी खुराक ये कैसे हासिल करते हैं। ऑटोट्रॉफिक, डेफिनेटली एलजी हैं, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे। सो इनमें जो हाफ स्पीशीज़ हैं टोटल स्पीशीज़ में, इनकी तकरीबन हाफ स्पीशीज़ ऑटोट्रॉफिक होती हैं, जो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, अपनी खुराक खुद बना सकती हैं, और तकरीबन हाफ जो स्पीशीज़ हैं वो हेटरोट्रॉफिक होती हैं, अपनी खुराक खाती हैं। दैट्स वाई दीज ऑर्गेनिज्म आल्सो हैव एनिमल लाइक करेक्टरिस्टिक्स। सो कुछ स्पीशीज ऑटोट्रॉफिक हैं, कुछ हेटरोट्रॉफिक हैं। हेटरोट्रॉफिक में कुछ फ्री लिविंग हैं जो ऑर्गेनिक मैटर और दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, और कुछ पैरासाइट हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की बॉडी के अंदर या ऊपर रहते हैं और उनसे खुराक हासिल करते हैं। फ्लैजेला की बात करते हैं, इनकी बॉडी में दो फ्लैजेलम प्रेजेंट होते हैं, एक फ्लैजेलम इस तरीके से ट्रांसवर्स फ्लैजेलम प्रेजेंट होती है और एक लॉन्गिट्यूडनल, इनकी तरफ थोड़ी देर में हम आते हैं। पिगमेंट की बात करते हैं, डेफिनेटली ये फोटोसिंथेटिक स्पीशी हैं मोस्टली इनमें, तो क्लोरोफिल तो लाजमी प्रेजेंट होगा, है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए। बट क्लोरोफिल के साथ साथ एक्सेसरी पिगमेंट, जो पिगमेंट क्लोरोफिल को हेल्प करते हैं, वो भी प्रेजेंट होते हैं, कैरोटीनाइड्स एंड जेंथोफिल, जो कि रेड, येलो टू रेड कलर के पिगमेंट होते हैं। सो इन पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से इनका कलर आपको येलोइश ग्रीन कलर भी मिलेगा कुछ स्पीशीज़ में, और कुछ स्पीशीज़ में इनका कलर ब्राउन टू रेड भी होता है। अब जिनका कलर ब्राउन टू रेड होगा, उसमें डेफिनेटली कैरोटीनाइड जो पिगमेंट हैं वो मास्क कर रहे होंगे क्लोरोफिल पिगमेंट के इफेक्ट को, यानी उनमें कैरोटीनाइड पिगमेंट का इफेक्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। ओके, स्टोरेज ऑफ फूड की अगर हम बात करें, ये अपना फूड जो है वो स्टार्च और ऑयल की फॉर्म में स्टोर करते हैं, जैसे प्लांट स्टोर करते हैं। रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, रिप्रोडक्शन यानी अपनी नंबरिंग कैसे इंक्रीज करते हैं। मोस्टली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय मीन ऑफ बाइनरी फिशन, ये आप डेफिनेटली अभी तक जान चुके होंगे, जब सेल दो में हाफ में डिवाइड होता है और दोनों सेल फिर कंप्लीट सेल बन जाते हैं, सो दैट इज़ बाइनरी फिशन। सो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और कुछ स्पीशीज़ इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती हैं। सो मोस्टली दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, बट सम स्पीशीज़ रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस की तरफ चलते हैं, दे आर द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर टू एक्वेटिक लाइफ आफ्टर डायएटम्स। डायएटम्स भी ऑर्गेनिज्म हैं, ये अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। डायएटम्स के बाद ये सबसे ज़्यादा प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं एक्वेटिक लाइफ को खुराक प्रोवाइड करने वाले, ये प्राइमरी सोर्स हैं। सो दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द फूड आर स्टार्टिंग द फूड चैन इन एक्वेटिक लाइफ, ये स्टार्ट कर रहे हैं फूड चैन, यहाँ से स्टार्ट होती है, इन ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म खाना शुरू करते हैं। सो दे आर बेसिकली द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर एक्वेटिक लाइफ।
और डाई आइटम्स के बाद सबसे प्राइमरी जो सोर्स ऑफ फूड है, प्रोड्यूसर हैं, वो क्या हैं? डाई आइटम्स हैं, उसके बाद डाइनोफ्लैजेलेट्स हैं। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ये भी इनकी इंपॉर्टेंस है। दे ईट बैक्टीरिया, बींग हेटरोट्रॉफिक, ये बैक्टीरिया की कॉलोनीज को भी खाते हैं जो इनमें हेटरोट्रॉफिक हैं, ये भी इनकी इंपॉर्टेंस है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड टाइड्स। रेड टाइड का अगर आपने वर्ड सुना होगा, समुद्र में रेड कलर की लहरें प्रोड्यूस होती हैं, सो ये डिनोफ्लैजेलेट और डाइनोफ्लैजेलेट की वजह से ही होती है। इनकी एक स्पेसिफिक स्पीशी है जिन्हें गोनियोलेक्स कहा जाता है। ये स्पीशी जब फेवरेबल इनको एनवायरनमेंट मिलती है तो बहुत जल्दी से अपनी नंबरिंग इंक्रीज करते हैं गोनियोलेक्स, और ये रेड टाइड्स क्रिएट कर देते हैं, पानी हमें लाल कलर का नज़र आना शुरू हो जाता है। और ये एक्चुअली रेड टाइड्स जो हैं ये पॉइजनस होती हैं, यानी ये ऑर्गेनिज्म पॉइजन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और वो पॉइजन जब फिशेस की बॉडी के अंदर जाता है तो फिशेस को किल भी कर सकते हैं, उन्हें पॉइजनस भी कर सकते हैं, और वो पॉइजनस फिशेस जब ह्यूमन खाते हैं तो ह्यूमन के अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है। सो ये तो आ गई इनकी जनरल इन्फॉर्मेशन। अब ज़रा सा हम डायग्राम देख लेते हैं डिनोफ्लैजेलेट की। ये इस तरीके से ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट शेप्स होती हैं बट मोस्टली इस तरीके से ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इनमें दो फ्लैजेलम प्रेजेंट होती हैं, बाकी न्यूक्लियस यूक्रियोटिक जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे। सेल वॉल प्रेजेंट होती है सब कुछ, बट इनमें जो डिफरेंस डिस्टिंक्ट फीचर हैं वो देखते हैं। फ्लैजेलम दो प्रेजेंट होती हैं, एक इस तरीके से ट्रांसवर्स फ्लैजेलम, तिरछी फ्लैजेलम प्रेजेंट होती है जो इन्हें हेल्प करती है स्पिन करने में। अब ये ट्रांसवर्स फ्लैजेलम क्या करती है, इन्हें स्पिन करने में हेल्पफुल होती है। जैसे आप लट्टू के ऊपर साइड पे धागा लपेटते हैं और धागे को खींचते हैं ना, तो ये लट्टू स्पिन करता है, तो दैट इज हाउ दिस फ्लैजेलम हेल्प देम टू स्पिन। ओके, फिर एक लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेलम भी प्रेजेंट होती है जो इन्हें लोकोमोशन करवा रही होती है। ये फ्लैजेलम स्पिन करवाती है और ये फ्लैजेलम जब प्रोपेल करती है तो ये लोकोमोट करते हैं, मूव करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, होपफुली लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, शुक्रिया, अल्लाह।